हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि दो नंबर्स मींस बड़े नंबर अगर हमारे पास गिवन है तो उसका जीसीडी यूजिंग डिवीजन एल्गोरिदम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, जीसीडी तो कोई भी फाइंड आउट कर सकता है अलग अलग मेथड से, लेकिन डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पर हमें जीसीडी फाइंड करना है 357 और 2210 का, तो इसमें से जो छोटा नंबर है उसको हम डिवाइजर लेंगे और बड़े नंबर को डिविडेंड लेंगे। ठीक है, सो 357 को हमने डिवाइजर ले लिया और 2210 को हमने डिविडेंड ले लिया। अभी हम क्या करेंगे, 357 से हमें इस नंबर को डिवाइड करना है। तो थोड़ा सा कोई कोई क्या करेगा, एक तो टेबल पूरा बना लेगा 357 का, लेकिन वो क्वाइट क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो 357 इज नियर 350, राइट, 350 के आसपास है वो। तो हम क्या करेंगे, 350, ठीक है, 350 का डबल क्या होता है 700, फिर 700, 7 का टेबल तो सबको आता है 7, 14, 21, राइट। सो ये 21 कितने नंबर पे आ रहा है, थर्ड नंबर पे, लेकिन 350 × 2 था, मतलब ये 2 × 3 हो जाएगा 6, मतलब हम अगर हम 357 × 6 करते हैं तो हमें बराबर इसके आसपास वाला नंबर मिल जाएगा। आई होप सबको क्लियर है, क्योंकि 350 का डबल हमने 700, फिर उसका डबल ट्रिपल हो गया ये, तो 3 × 2, ठीक है, तो भी 357 × 6 करेंगे, 6 × 7 = 42, 4 इज रिमेनिंग, 6 × 5 = 30, 30 और वो 4, 34, 3 इज रिमेनिंग, 6 × 3 = 18, 18 + 3 = 2, 142। अभी हमें माइनस करना है, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 5 6, 2 में से 2 0, 2 में से 2 0, तो अभी हमारा रिमाइंडर आ गया 68। तो ये 357 से 68 नंबर जो है वो लेस है, तो हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या, नो। सो अभी हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए, फर्दर अभी हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप है इस रिमाइंडर को एज अ डिवाइजर हम लेंगे और ये जो डिवाइजर था इसको डिविडेंड लेंगे। ठीक है, और अभी हम फिर से डिवीजन करेंगे। ओके, सो 68 को फिर से हम 70 कंसीडर कर लो, आसपास वाला नंबर जिसका टेबल हमें याद है, तो 7 × 5 = 335 आता है, राइट, तो 5 यहाँ पर हम ले सकते हैं, 5 × 8 = 40, 4 इज रिमेनिंग, 5 × 6 = 30, 3, 4, 0, 7 में से 0 गया 7, 5 में से 4 गया 1, 17 इज रिमेनिंग। फर्दर अभी हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, नो। सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अभी ये रिमाइंडर है इसको हम डिवाइजर लेंगे और ये जो डिवाइजर था इसको यहाँ पर लिखेंगे। 17 का अगर आप लोगों को टेबल याद होगा तो 17 × 4 = जो है वो 68 आता है, तो 68 − 68 = 0। तो जब तक 0 रिमाइंडर में नहीं आता है तब तक हमें ये प्रोसेस करना है। अभी आप लोग बोलेंगे कि इसमें जीसीडी कौन है, तो जीसीडी इज नथिंग बट लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर, ये हमारा रिमाइंडर है 0, उसके पहले रिमाइंडर था 17, तो ये जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर है वो हमारा क्या है, जीसीडी है। सो जीसीडी बिटवीन 357 एंड 2210 इज 17। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। If you like this video, please like, share and subscribe our channel. Thanks for watching.